Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी exercise की जो playlist का link है वो आपको description और comment section में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरी exercise का बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो। इस playlist में मैंने एक एक concept, एक एक question पूरे अच्छे से explain किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो कैसा फंक्शन है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। ये आपका कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे कि यहाँ तो ऑलरेडी एक्स ही है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जीरो ही आएगा। मीन्स हम उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। लेकिन जैसे कि अगर ये होता है एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या हो जाता है माइनस टू। तो क्रिटिकल पॉइंट ये होता है जो एक्स की वैल्यू आती है जीरो के इक्वल रखने पर। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपका जीरो ही है बिकॉज यहां पर सिर्फ मॉड एक्स की बना है। अब आप ये देखो कि अगेन डबल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। एक बार एक्स इक्वल टू जीरो है, यानी कि अगर मैं इसका मतलब तो ये हो गया आपका कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू आपको गिवन है जीरो, ये आपको गिवन है। मुझे फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब जब एक्स जीरो से छोटा होगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब जब एक्स जीरो से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है वो हमें यहां से मिलेगा, वो हमें यहां से मिलेगा। देखो अब ध्यान से समझना, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन का काम होता है वैल्यू को पॉजिटिव रखना। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, वैल्यू को पॉजिटिव रखना। तो ये आपका मॉड एक्स है, ये आपका क्या मॉड एक्स है। अगर मैं मॉड की जगह यहां पर माइनस वन कर दूं, यानी कि अगर मैं जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पर जाता हूं, अगर मैं जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पर जाता हूं, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसके बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं माइनस टू लेता हूं, तो माइनस टू को, अब मॉडुलस फंक्शन का काम है नंबर को पॉजिटिव रखना। अब इसको पॉजिटिव रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह जो आपका फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स बाय एक्स, ये जो फंक्शन है आपका, इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स इज लेस देन जीरो। बिकॉज जब आपका एक्स जीरो से छोटा होगा, जब आपका एक्स जीरो से छोटा होगा, तब इस फंक्शन को पॉजिटिव रखने के लिए मुझे इस पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इसीलिए मोड एक्स की वैल्यू आपने आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों ऐसा होता है, क्यों मोड एक्स इक्वल टू कहते हैं प्लस माइनस एक्स। माइनस एक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब जीरो से छोटी वैल्यू पर हम जाते हैं, जब उस क्रिटिकल पॉइंट की हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं, तो हमें माइनस इसलिए लगाना पड़ता है ताकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहे। क्योंकि जैसे उस क्रिटिकल पॉइंट की लेफ्ट साइड में जाना शुरू होते हो, उसकी वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाती है। उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है। और इसको सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, आपका माइनस वन के इक्वल आएगा। तो माइनस वन यानी कि मोड एक्स बाय एक्स माइनस वन के इक्वल है आपका, जब एक्स आपका क्या है लेस देन जीरो। और ऑन द अदर साइड आप देखो, जब मैं एक्स की राइट साइड पे जाता हूं, जैसे कि वन टू, तो ये ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मोड एक्स की वैल्यू जब उस क्रिटिकल पॉइंट के हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं, तो मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। और एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा आपका, वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया गया इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम एक एक करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं, देखो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, यानी कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो ये इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, यानी कि जब एक्स जीरो से छोटा है तब इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो ओवरऑल ये कितना आ गया आपका, माइनस वन। फिर हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ये हो गया आपका एफ एक्स,
इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x आपका 0 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका आ गया 1, ये आपका क्या आ गया 1, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस 1, राइट हैंड लिमिट आ गई 1, एंड f of 0 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, f of 0 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो इसका मतलब ये हुआ बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पहले तो बात यही खत्म होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो आप क्या कहोगे देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और उसके बाद एक कंक्लूजन लाइन लिखनी होती है, कंक्लूजन लाइन ये होती है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हैंस जो हमारा फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोल्ड शेड में रखोगे इसको, ठीक है, बोल्ड लेटर में लिखोगे, रियल नंबर का सिंबल होता है, एक्सेप्ट जीरो, तो ये आपका फाइनल आंसर है कि अगर वो इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होने का मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब ऑल रियल नंबर, बाकी के जितने भी रियल नंबर सब पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट दिस पॉइंट. इज इट क्लियर? दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.